हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। मैं अनुभव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं किया सेल्टॉस के बारे में। ये हम लोगों के पास सेकंड टॉप वेरिएंट खड़ी है और इस वीडियो में मैं इसका सारा डिटेल आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ इसके एक्सटीरियर में फीचर आता है, क्या कुछ इंटीरियर में फीचर आता है। साथ ही मैं आपके सिटी की ऑन रोड प्राइसिंग कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए। और स्पेशल थैंक्स टू साहिब किया फॉर गिविंग मी परमिशन टू शूट द वीडियो ऑफ किया सेल्टॉस। अगर आप गोरखपुर या फिर आसपास से हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है साहिब किया का। आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप आकर के शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके की के फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो की आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिल जाएगा, लॉक, अनलॉक, और ये होल्ड करके रखेंगे तो इसका बूट जो है वो अनलॉक हो जाएगा। और उसके बाद से फ्रंट में आपको इसका टाइगर नोज ग्रिल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। साथ ही में इसमें जो अगर आप देखेंगे तो हल्का सा ग्रेइश फिनिश में ये मिलता है। और ये जो फिनिश दिया हुआ है, ये जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है इस पर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। आपको जब ये आप शोरूम पर आकर के देखेंगे तो आपको भी पसंद आने वाला है। आपको इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर में हेडलैम्प आ जाता है, नीचे आपको हैलोजन प्रोजेक्टर में इसका फॉग लैम्प आ जाता है। साथ ही में यहाँ पे जो है आपको हैलोजन बेस में सॉर्ट ऑफ एक लाइट और मिल जाती है। और ये अगर आप देखेंगे तो इसका आपको हैलोजन बेस में ही टर्न इंडिकेटर मिलने वाला है। और अगेन यहाँ पे आपको जो है ये ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है, बम्पर वाइट एंड ब्लैक टोन में दिया हुआ है जो कि अच्छा दिखता है। और इसका आप ये ग्रिल देख रहे हैं, ग्रिल जो है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सेल्टॉस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है और ये अपने लुक के वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल करती है। और किया को इंडिया में जब ये डेब्यू की थी तो सबसे ज़्यादा अच्छा सेल की थी। और किया का जो एंट्री हुआ था बहुत ज़्यादा ग्रैंड हुआ था जो कि सेल्टॉस के वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ सेल्टॉस के परफॉर्मेंस का, सेल्टॉस का लुक और सेल्टॉस का जो इंटीरियर वगैरह का जो फीचर आता है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। और उसके से बात करते हैं हम लोग इसके साइड के प्रोफाइल के बारे में। तो साइड का प्रोफाइल ये आप देख सकते हैं। साइड में जो है आपको 16 इंचेस के स्टील रिम इस वेरिएंट में मिलता है। 205/65 R16 का अभी इसमें टायर लग रखा है। साथ ही में यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका ORVM मिल जाएगा। ये मैनुअली फोल्डेबल मिलता है, इसमें इंटीग्रेटेड है इसका टर्न इंडिकेटर। और उसके बाद से आपको ये जो है यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका साक फिन एंटीना ऑन ऑफर पे है। और ये जो पूरा दिया हुआ है ए पिलर इसका ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है, पियानो ब्लैक फिनिश में। साथ ही में ये पूरा जो दिया हुआ है मिरर वगैरह का इस साइज वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको अंदर क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने वाला। साथ ही में इसका जो लुक आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी बोल्डनेस ये कैरी करती है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ किया कंपनी के सक्सेस के पीछे इंडिया में सेल्टॉस का सबसे ज़्यादा बड़ा आता है, बिकॉज ऑफ इट्स लुक, इट्स फीचर्स एंड इट्स परफॉर्मेंस। और रियर प्रोफाइल आप देख रहे हैं, रियर प्रोफाइल आपको कुछ इतना सा देखने को मिल जाता है। रियर में जो है आपको LED में इसका टेल लैंप ऑन ऑफर पे है। साथ ही में यहाँ पे आपको इसका टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ये इसका रिवर्स पार्किंग लाइट मिलता है। और उसके से किया की बेजिंग आ जाएगी, यहाँ पे आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, सेल्टॉस की बेजिंग। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, रियर बम्पर आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है। और उसके से ये जो बम्पर आप देख रहे हैं, बम्पर आपको ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलता है। और इसके वजह से इस पर जो है आपको ये ग्रेइश फिनिश मिलता है। साथ ही में यहाँ पे आपको जो है इसके पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एक पार्किंग सेंसर यहाँ मिल जाता है। और उसके वजह से टोटल ओवरऑल जो है इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और उसके वजह से ओवरऑल ये जो सेल्टॉस है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छा लुक इसका लगता है। तो चले चलते हम लोग इसके इंटीरियर में देखते हैं क्या कुछ इसके इंटीरियर में फीचर ऑन ऑफर है। सो ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर, इंटीरियर का जो लुक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको टच स्क्रीन वगैरह ऑन ऑफर पे है। क्या कुछ इसमें फीचर्स आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके पहले बैठ जाते हैं बिकॉज ऑफ बाहर जो है बहुत ज़्यादा शोर है। सो इंटीरियर में हम लोग इस साइड के फीचर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाएगा, ये मिरर आपको अंदर से एडजस्टेबल मिल जाता है, रिट्रैक्टेबल और फोल्डेबल नहीं मिलता है, एडजस्ट आप अंदर से कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल मिल जाता है, एक वाइन होल्डर का भी काम करेगा बिकॉज ऑफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आपको इसका बॉटल होल्डर मिल जाता है, साथ ही में सॉर्ट ऑफ स्पेस दिया हुआ है जो कि आपको अपना वो क्या बोलते हैं, अगर आपको कुछ क्लीनिंग वगैरह के लिए रखना है तो वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। एक स्पीकर यहाँ आ जाता है, एक ट्विटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये जो है आपको सॉर्ट ऑफ ग्रेइस फिनिश दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। और इंटीरियर में जो ये जो आप देख रहे हैं इसमें ड्यूल टोन कलर आता है और ये कलर कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक ठाक सा लगता है। क्या कुछ और है आप ये देख रहे हैं, इसका स्टेयरिंग व्हील जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्टेयरिंग व्हील पे जो ये फिनिश दिया हुआ लेदर रैप्ड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके से इस साइड आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपके सारे टच स्क्रीन से जुड़े हुए कंट्रोल हैं, कॉल रिसीव करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन के लिए, ट्रैक वगैरह चेंज करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, वॉइस कमांड देने के लिए, कॉल कट करने के लिए। साथ ही में इस साइड जो है सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मैनूवर करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपके हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल मिल जाएंगे। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड आपको जो है वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल्स मिलने वाले हैं। और उसके बाद से एक बार मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप जो है
सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो वेलकम फंक्शन है आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिल जाता है, और उसके बाद से अभी ये जो है लो फ्यूल वार्निंग का इंडिकेशन दे रही है। यहाँ से आप फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका डोर लाइट्स कॉन्वीनियंस सर्विस इंटरवल अदर फीचर्स और ये रीसेट कर सकते हैं। और अगर मैं इसका सारा फीचर बताने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ से आप सिंपली मैनूवर कर सकते हैं इसको अप डाउन, और उसके से यहाँ से ओके करेंगे बैक वगैरह भी, आप इसमें से आराम से सारे फीचर्स जान सकते हैं कि क्या कुछ फीचर्स ऑन ऑफर हैं। और उसके से यहाँ पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका फ्यूल गेज, ये इसका स्पीडोमीटर है एनालॉग में मिल जाता है, इस साइड आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, ये कितना कूल है कितना हीट है, और यहाँ पे सारे जो है वार्निंग लाइट्स मिल जाते हैं। ये आपको टेम्परेचर दिखा देती है, कितना रेंज बचा हुआ वो दिखा देती है। ओवरऑल इसका जो ये लुक है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके से यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे एसी वेंट पर जो फिनिश दिया हुआ है ये अच्छा दिया हुआ है। इस साइड जो है ये सारे आपको इल्यूमिनेशन से जुड़े हुए कंट्रोल है कि कितना इल्यूमिनेट होगा लाइट इसका वो मिल जाता है। यहाँ पे जो है इसका हेडलाइट लेवलिंग स्विच मिल जाता है, नीचे जो है आपको इसका हुड जो है वो ओपन करने के लिए मिल जाता है। ये मैनुअल वेरिएंट है तो इसमें आपको 3 पैडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके से बात कर लेते हैं हम लोग इसके टच स्क्रीन के बारे में। तो टच स्क्रीन में जो है होम पे आपको कुछ ऐसा सा इसका लेआउट मिलता है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ में ये आती है, साथ ही में यहाँ पे आप एफएम का देख रहे हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं हम लोग, सेटिंग्स में साउंड डिवाइस कनेक्शन डिस्प्ले बटन पे फेवरेट बटन में क्या रहेगा वो आपको दिखा देता है। और उसके से स्टेयरिंग में मोड जो है वहाँ पर आपको क्या सेट करना है वो आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। वाईफाई से कनेक्ट होता है, यहाँ पर जनरल सेटिंग आपको मिल जाती है, और जनरल सेटिंग में जो है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह ये सारी चीज़ें बता देती है। और इसका जो रिस्पांस है टच स्क्रीन का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक मिनट में मेन्यू पे जाता हूँ, ऑल मेन्यू आपको एक बार दिखा देता हूँ। फ़ोन रेडियो मीडिया एंड्रॉइड ऑटो वॉइस में वो क्वाइट मोड DRVM सेटिंग्स ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सेटिंग्स में जो है आपको सारे साउंड डिवाइस कनेक्शन डिस्प्ले ब्लूटूथ वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं इसका सारा फीचर बताने जाऊँगा तो अगेन जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और यहाँ से आप इसका जो है ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हैं, और उसके वजह से यहाँ पे ये आप ट्रैक अप डाउन के लिए मिल जाता है, यहाँ से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। साथ ही में ये भी जो है इसका ट्रैक चेंज करने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे ये इसका वॉल्यूम नॉब है, ये मीडिया का स्विच मिल जाता है, और उसके बाद से ये जो है आपको रेडियो का स्विच मिल जाता है। ये जो है दिया हुआ है पियानो ब्लैक फिनिश में, जो कि अच्छा दिखता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक कैरी करता है। यहाँ पे आपको इसका हेजाइड लाइट का स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आपको इसमें मैनुअल एसी मिलता है। ये आप देख रहे हैं कि एयर फ्लो किधर रहेगा अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। डिफॉगर के लिए फ्रंट एयर पे मतलब कि फ्रंट वाले पैर पे आए और डिफॉगर पे जाइए, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। एयर सर्कुलेशन का स्विच मिल जाता है, और फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है, टेम्परेचर आपको कूल रखना हीट रखना उसके लिए मिल जाता है। यहाँ पे एसी ऑन ऑफ का मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आ जाएगा, एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, ये आपको चार्जिंग के लिए एक और पोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है, एटलीस्ट आप 2 से 3 फ़ोन रखेंगे। और उसके वजह से कुछ ऐसा सा इसका गियर लीवर आ जाता है, गियर लीवर पे जो किनारे दिया है ये आपको ग्रेइश फिनिश में इसका टच दिया हुआ जो कि अच्छा दिखता है। यहाँ पे जो है आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये इसका हैंड ब्रेक आपको ऑन ऑफर पे मिलता है। ये आप देख रहे हैं इसका आर्म रेस्ट स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स्ड है, लेकिन आर्म रेस्ट में आपको स्टोरेज मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। और उसके बाद से इस साइड जो है आपको पावर विंडो से जुड़े हुए कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पे अगेन आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर, ट्विटर, और एक बार मैं इसका आपको ग्लव बॉक्स दिखा देता हूँ। तो ग्लव बॉक्स आपको कुछ इतना सा स्पेस ग्लव बॉक्स में देखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक सा है, आप अपना मैनुअल वगैरह रखना चाहें तो आराम से रख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर पे, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है केबिन लैंप हेलोजन बेस में मिलता है, ये आप पुश करेंगे तो ये ओपन होगा, ये आपका जो है सनग्लास होल्डर ऑन ऑफर पे है। अगेन यहाँ पे आपको टिकट होल्डर ऑन ऑफर पे मिल जाता है, और ये आप देख रहे हैं इसका इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है, आप इसको ऑटो इसमें नहीं दिया गया है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलता, ये मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। सो ओवरऑल इसका इंटीरियर का प्रोफाइल अच्छा दिख रहा है, और उसके बाद से एक बार आप ये इसका पूरा प्रोफाइल देख लीजिए, पूरा लुक जो है इंटीरियर का वो देख लीजिए। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है। आपको इसका इंटीरियर कैसा लग रहा है आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर से बताइएगा। और उसके से 510 के अकॉर्डिंग फ्रंट सीट में एडजस्ट कर लेता हूँ, और चले चलते हैं रियर सीट पर। तो फ्रंट सीट में 510 के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया हूँ और रियर सीट पे चलते हैं। साथ ही में इसके जो सीट का कंफर्टेबिलिटी वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सीट जो ग्रैब करती है वो बहुत ही अच्छे से ग्रैब करती है, तो आपको लॉन्ग जर्नी पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एडजस्टेबल आपको इसमें हेडरेस्ट मिलता है, और उसका स्टीयरिंग जो है वो आप इसका टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, और टेलीस्कोपिक जो है आप नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। सो रियर डोर ओपनिंग जो है वो कुछ इतना सा आपको देखने को मिलता है, आपको इनग्रेस एग्रेस में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
और उसके बाद से चलिए बैठ जाते हैं। क्या कुछ है स्पेस? सो यहाँ पे आपको जो है पावर विंडो का बटन मिल जाएगा, यहाँ से आपको डोर ओपनिंग के लिए मिल जाता है, जो कि अगेन आपको ग्रेस फिनिश में मिलता है। साथ ही में बॉटल होल्डर्स, स्पीकर मिल जाता है, और उसके से ये जो है ग्रैब करके बंद करने के लिए 510 के अकॉर्डिंग फ्रंट सीट एडजस्ट है। और आप देख रहे हैं स्पेस, यही तो बात है SUVs जो आ रही हैं आजकल, लाइक क्रेटा, सेल्टॉस, उसमें आपको स्पेस की कमी नहीं मिलती है। लेग रूम आप देख सकते हैं, थाई सपोर्ट भी इसका ठीक ठाक सा मिलता है, पैर आप स्कूप करके बैठ सकते हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाले। साथ ही में आपको हेडरूम देख सकते हैं, हेडरूम भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलता है। सो आपको ये सब तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको एक केबिन लैंप भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और उसके बाद से बीच में हम्प जो है वो बहुत ही कम मिलता है, तो आराम से पीछे जो है 3 लोग बल्कि लोग बैठ सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे भी जा रहे हैं तो 3 बल्कि लोग जो है आराम से बैठ सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी सेल्टॉस के बारे में। रियर में आपको जो है कुछ इतना सा बूट स्पेस मिल जाता है, एग्जैक्ट जो बूट स्पेस है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। साइड में आपको स्पेस मिलता है, और उसकी वजह से ये बूट में आपको ये लैंप भी देखने को मिल जाता है। सो ये सब कुछ था किया सेल्टॉस के बारे में। और ये जो है ये सेकेंड टॉप वेरिएंट है, जो कि मुझे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर करती है, टच स्क्रीन वगैरह ऑफर करती है, मतलब जितने आपकी बेसिक नीड है वो सारी चीज़ें ये ऑफ़र कर देती है। और इसकी प्राइसिंग जो है ऑन रोड लगभग 14 लाख के आसपास है गोरखपुर में। अगर आपको अपने सिटी की ऑन रोड प्राइसिंग जाननी है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको आपके सिटी की ऑन रोड प्राइसिंग बता दूंगा। और डेफिनेटली आप किया सेल्टॉस के साथ में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इंजन परफॉर्मेंस। अगर आप इंजन का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब से किया सेल्टॉस आई है तब से आपको इसके इंजन में इशू नहीं देखने को मिलने वाला है। आप कस्टमर रिव्यूज भी देखेंगे तब भी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साथ ही में इसमें जो है आपको इसका इंटीरियर क्वालिटी, एक्सटीरियर क्वालिटी, जो फिट एंड फिनिश दिया गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिया गया है। सो डेफिनेटली आप किया सेल्टॉस के साथ में जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सेफ चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।